वाराणसी में सहस्त्रबाहु जन्मोत्सव शोभा यात्रा 2024 को लेकर एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें बताया गया कि है वंशीय कलचुरी कलाल जायसवाल समाज अपने कुल आराध्य राज राजेश्वर कात्यवीर सहस्त्रबाहु भगवान श्री अर्जुन की जयंती कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सहस्त्रबाहु जयंती के रूप में पूर्ण भव्यता के साथ मनाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वधर्म की रक्षा एवं स्वजातीय सामाजिक पहचान और पौराणिक तथा ऐतिहासिक गौरव की पुनर्स्थापना है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। महानगर अध्यक्ष हूँ, 10 नवंबर को जो प्रस्तावित शोभा यात्रा है उसी के संदर्भ में आज प्रेस वार्ता हुआ है। आप लोग जानना चाहते थे कि इस प्रेस वार्ता में इस बार की शोभा यात्रा में विशेषता क्या रहेगी। हम सभी जो जितने भी हमारे उपजातियों के आराध्य देव भगवान सहस्त्र अर्जुन देव जी महाराज हैं, सबकी आस्था इनके साथ जुड़ गई है। सभी उपजातियां मिलकर इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे और इस शोभा यात्रा के को सफल बनाते हमारा जो एक मिशन है या हमारा जो एक लक्ष्य है कि काशी की धरती पर भव्य एक मंदिर हम अपने भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन देव जी का स्थापित करना चाहते हैं। आप सभी का सहयोग, आप सभी की शुभकामना मैं चाहता हूं। शोभा यात्रा के दौरान सभी मीडिया बंधु से मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जायसवाल क्लब ये अपने आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु जी की एक भव्य शोभा यात्रा हम लोग काशी से 97 में शुरू किए थे, आज उसकी प्रचार प्रसार पूरे देश में है। अब पूरे देश में इसकी भव्य शोभा यात्रा मनाई जा रही है। आज सौभाग्य के विषय की आज ही के दिन उनकी जो जयंती होती है हम लोग उनकी पूजा करते हैं और हम लोग 10 तारीख को रविवार को भरत मल्लभ मैदान से काशी के अंदर एक भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं ताकि इसकी संदेश पूरे देश में जाता है और सारे लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक भव्य शोभा यात्रा हमारी निकलेगी। इसमें हमारे समाज के सारे बंधु पूरे पुरुष महिलाओं बच्चे युवा से सब चलेंगे। इसमें हम लोग तमाम तरह की झांकियां रखते हैं। हमारे आराध्य देव ने भगवान जो कि हमारे आराध्य देव सहस्त्रबाहु अर्जुन जी महाराज जी की ये शोभा यात्रा हम लोग प्रतिवर्ष 10 नवंबर को निकालते हैं और ये विगत पिछले 25 वर्षों से आयोजन इसका होता आ रहा है और इस समाज को जोड़ने का जो अथक प्रयास मनोज जी ने किया है उसके चलते हर साल इस शोभा यात्रा में दिनों दिन समाज के और वैश्य समाज के लोगों की सहभागिता बढ़ती जा रही है और जो एक मैसेज जा रहा है कि वैश्य राजस्वाल प्रदेश प्रवक्ता जायसवाल क्लब आज हमारे भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी का शोभा यात्रा हम लोगों को निकालना है 10 तारीख को। आप सभी लोग आमंत्रित हैं और शोभा यात्रा नाटी इमली से निकल के पूरा नई सड़क होते हुए गुदौलिया गिरजाघर चौक बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करते हुए वापस नाटी इमली में कितनी संख्या तकरीबन देखिए आने को तो दूर दूर से आ रहे हैं, पूरे पूर्वांचल यूपी से लोग आ रहे हैं इस शोभा यात्रा में, क्योंकि क्या है कि पूरे प्रदेश में